श्री चक्रेश्वरी देवी जैन तीर्थ प्रबंधक कमेटी अत्तेवाली सरिंद के प्रधान श्री सुनील जैन जी गुड़गांव वाले अस्वस्थ होने के कारण तीर्थ के उप प्रधान श्री पीयूषकांत जैन एवं उप प्रधान श्री लविंदर कुमार जी जैन दोनों की अध्यक्षता में आज एक वर्चुअल मीटिंग माताजी के भवन पर कार्यकारिणी सदस्यों की वार्षिक उत्सव के बारे में की गई। वार्षिक उत्सव के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे तीर्थ के महामंत्री एवं खजांची श्री अश्विनी जैन जालंधर वाले आपको विस्तार से बताएंगे। आज माता के भवन पर आगामी अक्टूबर माह के होने वाले 29-30-31 के वार्षिक उत्सव के बारे में कुछ निर्णय लिए गए। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार माता चक्रेश्वरी देवी जैन तीर्थ कमेटी की एक वेबसाइट से आने वाले उत्सव के लिए 29-30-31 की बुकिंग की ऑफर दी जाएगी। जब आप 29-30-31 की डेट को लॉग इन करोगे, हर 15 मिनट का एक स्लॉट दिया जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार उस दिन की बुकिंग ले सकते हो। एक मोबाइल पे 5 आदमी मेंबर का, फैमिली मेंबर का व्यवस्था की गई है। जिस किसी को भी असुविधा हो, एक कॉमन नंबर ऑफिस का दिया जाएगा। उस नंबर पर अपने व्हाट्सएप से आप फैमिली मेंबर की डिटेल, अपने आने वाला समय और अपनी आईडी उस नंबर पे सेंड कर दोगे तो आपको विदिन 3 डेज आपकी बुकिंग का स्टेटस जो है आपको बता दिया जाएगा। इसकी बुकिंग 10 अक्टूबर के बाद से शुरू होगी और इसी तरह जो कूपन का एक हर साल एक सिस्टम होता है, उसी तरह इस साल भी कूपन का एक सब पब्लिक को दिए जाएंगे, जिसके 3 लाभ हो गए, जिसमें माता के द्वार खोलने का लाभ जो कि 30-14 को होगा, सांझा प्रसाद का लाभ और उसके बाद ध्वजा का लाभ, 3 लाभ ड्रा के द्वारा जो कि 18 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे सभी वर्किंग कमेटी की प्रेजेंस में यहाँ भवन पे निकाला जाएगा। जिस किसी सदस्य को यहाँ शामिल होना वो आ भी सकता है। ये सारे निर्णय लिए गए कोविड-19 को ध्यान में रख के, ताकि कम से कम ज़्यादा इकट्ठे ना लोग हो सके और सबको दर्शन का लाभ हो सके। त्रयोदशी और चौदश को किसी को भी यहाँ भोजन की और ठहरने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, सिर्फ दर्शन लाभ ही मिलेगा। सो इस बार मेरा माता चक्रेश्वरी देवी प्रबंधक कमेटी की ओर से निवेदन है और आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप उस दिन हम सब लोगों इस भावना को समझेंगे और अपना दर्शन दे लाभ देने जरूर हमारे तीर्थ पे आएंगे। धन्यवाद।